वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स का प्रोविडेंट फंड वाला प्रोविज़न। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में सैलरी कर लिया था, सैलरी में कुछ चैप्टर कर लिए थे। जैसे कि सैलरी में हम लोगों ने कर लिया था रिटायरमेंट बेनिफिट पूरा कंप्लीट कर लिया था, और आज हम प्रोविडेंट फंड करेंगे। प्रोविडेंट फंड का पहले आज हम प्रोविज़न पढ़ लेंगे, प्रोविज़न पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ प्रोविज़न इसका पढ़ने के बाद हम ये सेक्शन 17 क्लॉज सबसेक्शन 1 डेफिनेशन ऑफ सैलरी भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बारी प्रोविडेंट फंड का एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है प्रोविडेंट फंड, मतलब क्या होता है प्रोविडेंट फंड? मतलब वो होता है जब कोई एक एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट या अपॉन रिटायरमेंट में रिसीव करता है प्रोविडेंट फंड। ये कौन देता है प्रोविडेंट फंड? हमेशा हमें एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक तरह का फंड होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, जिस तरह से पेंशन हमको रिसीव होती है उसी तरह से एट अ मैच्योरिटी या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये हमको रिसीव होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इस प्रोविडेंट फंड को पढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड के बारे में लॉ एंड एथिक्स चैप्टर पेपर नंबर 6 में भी गिवन है। इसके एक नाम चैप्टर बना है प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस एक्ट। ओके, तो चलो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रोविडेंट फंड में क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें अपने सैलरी चैप्टर में। यहाँ भी पहला बोलता है एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF। ये क्या होता है? यहाँ पे एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉई होता है, दो लोग होते हैं। हर बिजनेस में दो लोग जरूर होते हैं, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई। अगर प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है अपना, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर अपना पैसा डिपॉजिट करता है, तो उसके ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में किसके एम्प्लॉई, मतलब ये जो हम केस पढ़ रहे हैं ना, इसको मान लो हम एम्प्लॉय के तौर पे पढ़ रहे हैं। हम एम्प्लॉय हैं उसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम एम्प्लॉय हैं उसके लिए हमें प्रोविडेंट फंड निकालना है। अगर एम्प्लॉय यहाँ पे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर अपॉन रिटायरमेंट में हो, तो क्या केसेस होंगे वो हमें यहाँ देखना है। अगर एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में है और अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है PF में प्रोविडेंट फंड में, तो फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है PF में, तो डिडक्शन अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80C में, और डिडक्शन का मैंने नोट्स अपने वेबसाइट पर डाल रखा है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा वेबसाइट की, आप वहां जाके डिडक्शन के पूरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है PF में, तो डिडक्शन अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80C में। ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, जो भी हम PF डिपॉजिट करते हैं PF अकाउंट में, उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। ये PF अकाउंट जो होता है जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन PF अकाउंट में हम टाइम पे, एक टाइम होता है उस टाइम पे ही हम PF का पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसे हम एक तरह से मान सकते हैं, ये या एक तरह का FD हो सकता है, ठीक है। तो इसे अगर कोई इंटरेस्ट ऑन बैलेंस बच गया है PF में, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ओके, ये है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में, मतलब काम के दौरान अगर हम लोगों ने ये किया है, तो अगर ये अपॉन रिटायरमेंट में किया होता तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता। अपॉन रिटायरमेंट मतलब अगर अपॉन रिटायरमेंट में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया होता ऐसे PF में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया होता तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता, और अगर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस पे बचता SPF में, तो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होता। अपॉन रिटायरमेंट में भी होता और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में भी इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एग्जम्प्ट माना जाता है फुल्ली। ओके, ये हमारा पहला केस था इस वाले पॉइंट में। दूसरा केस है यहाँ पे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसपे हम RPF बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? RPF।
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, उनको कंडीशंस को हमको ध्यान देना है, इसलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कंडीशंस पे। ठीक है, कंडीशन पे मैंने थोड़ा जूम कर दिया। हम पढ़ रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में। क्या यहाँ पे, अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो एग्जम्प्ट दिया जाएगा, उसके अमाउंट पे एग्जम्प्ट दिया जाएगा अप टू सैलरी का 12%। जो उसकी सैलरी होगी उस सैलरी का 12% एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ये एक अप टू का मतलब ये है कि अगर वो 9.5% सैलरी दे रहा है, मान लो कि क्वेश्चन में दे दिया 9.5% सैलरी ले रहा है वो, तो 9.5% ही एग्जम्प्ट किया जाएगा, ना कि 12%। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अप टू लगाया गया है। ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इतना समझदार तो आप हैं ही। अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो 80% डिडक्शन मिलेगा, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अगर इंटरेस्ट का बैलेंस बच गया तो उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा 9.5% पर एनम के हिसाब से, 9.5% पर एनम के हिसाब से उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वाली बात ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो केस में अभी हरा से जो हरे कलर का बॉक्स बनाया है ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए है, और ये जो रेड वाला बॉक्स बनाया है ये अपॉन रिटायरमेंट के लिए है। और अगर अपॉन रिटायरमेंट में अगर ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला केस होता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। अगर वो 5 साल से ज़्यादा काम करता है सर्विस में 5 साल से ज़्यादा रहता है तो ये पूरा एग्जम्प्ट किया जाएगा। ये कहता है हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके सर, तीसरा पॉइंट कहता है हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या बोलता है यहाँ पे, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पढ़ने वाले हैं। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तीसरा केस है हमारा, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये URPF अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है या इंटरेस्ट का बैलेंस रह जाता है तो अगर एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो इनकम जो है वो कंसिडर ही नहीं की जाएगी, डिडक्शन अलाउड ही नहीं होगा, और इनकम यहाँ पे भी कंसिडर नहीं की जाएगी एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसको इनकम नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अपॉन रिटायरमेंट में क्या इसका केस है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो क्या होगा। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिटायरमेंट टाइम पे वो फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा एज ए सैलरी में। अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई डिपॉजिट किया है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो नो टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है वहाँ पे। इसके बारे में बताऊँगा कहाँ पे टैक्सेबल लगा है ये। और अगर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस है अपॉन रिटायरमेंट में और एम्प्लॉयर वाला जो टैक्स होगा, जो एम्प्लॉयर वाले टैक्स पे जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है एज ए सैलरी माना जाएगा, ओके, और जो एम्प्लॉय वाले पे मिल रहा है उनको और जो एम्प्लॉय वाले पे उनको मिल रहा है इंटरेस्ट, वो अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा। दोबारा बताता हूँ, अगर किसी एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, डिपॉजिट किया और उसे इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, तो वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। और अगर किसी एम्प्लॉय ने डिपॉजिट किया तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट कहता है हमारा प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन पढ़ लिया। जब इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नाउ अब हम आते हैं अपना सैलरी का एक प्रोविजन जिसमें हम डेफिनेशन को कवर करेंगे।
17 सबसेक्शन 1 डेफिनेशन ऑफ सैलरी क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सैलरी में इंक्लूड क्या क्या होता है, सैलरी का मतलब क्या होता है, ये हमें जानना है। सैलरी में इंक्लूड होता है वेजेस, एनी एन्यूटी और पेंशन, एनी ग्रेचुटी, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट और प्रॉफिट इन लियू और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। यहाँ परक्विजिट्स का मतलब क्या है, फैसिलिटी होती है, क्या होता है, फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ परक्विजिट्स का मतलब हम जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसी को हम परक्विजिट कहते हैं। ओके, और क्या होता है, एनी एडवांस सैलरी, कोई हमने एडवांस सैलरी दिया अपने एम्प्लॉय को, एनी पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड, ठीक है, जिसे हम अरियर ऑफ पेमेंट कहते हैं, ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय द एसएससी, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इन द टैक्सेबल एंड एटसेट्रा, ये सब होती है हमारी सैलरी के मीनिंग्स होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मैं इस नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नाउ सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी। क्या होता है कि फॉलोइंग रिसिप्ट्स आर टैक्सेबल एंड प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट इन लियू सैलरी, मतलब कि द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन, द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉय और इन कनेक्शन विथ द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलता है दोबारा बताता हूँ, अगर कोई कंपनसेशन ड्यू रह जाता है और यह उसे रिसीव होती है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, कब, चाहे वो फॉर्मर एम्प्लॉय हो या फिर टर्मिनेशन हुआ उस एम्प्लॉयमेंट से या फिर मॉडिफिकेशन हुआ हो उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, उसे कहते हैं हम प्रॉफिट इन लिव सैलरी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, अगर कोई ऐसा पेमेंट ड्यू हो या रिसीव हुआ हो बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर फॉर्मर एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कोई ऐसा भी पेमेंट चाहे वो ड्यू हुआ हो या रिसीव हुआ हो उस एसएससी को अपने एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर से फॉर्मर, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कौन कौन से, ग्रेचुटी वाले जो हों, हाउस रेंट अलावेंस, कम्यूटेड पेंशन, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, पेमेंट फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड, पेमेंट ऑफ स्टैचुटरी एनुएशन फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट ऑफ इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 12 में। अगर ये वाले अगर है तो फिर ये वाले काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाले अमाउंट थे चाहे वो ड्यू हो चाहे रिसीव है, अगर उसे रिसीव हुआ है अपने एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर से तो टैक्सेबल किया जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट यहाँ बोलता है कि एनी सम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस एंड ऑन सच पॉलिसी। फोर्थ बोलता है एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव बाय द एम्प्लॉय इन लम सम और अदरवाइज प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोगों ने अभी एम्प्लॉय प्रॉफिट इन लीव क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 का डेफिनेशन पढ़ लिया और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड वाला भी पॉइंट पढ़ लिया, प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इन सब के तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन करा दूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।